दोस्तों रॉबिन उथप्पा ने मुंबई इंडियंस का एक काला राज खोल दिया है। उन्होंने बताया कि 2009 में वे मुंबई इंडियंस में थे, उनकी लॉयल्टी पूरी तरह मुंबई इंडियंस के लिए थी और मुंबई इंडियंस ने उन्हें आरसीबी ट्रांसफर होने को कहा, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर पेपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि वे मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलना चाहते थे। लेकिन मुंबई इंडियंस के एक इंपॉर्टेंट आदमी ने उन्हें धमकी दी, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कभी भी मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी।